एशिया कप साल 2022 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की टीम एशिया की नई चैंपियन बन गई है और अब पाकिस्तान की टीम के प्रदर्शन पर लगातार सवाल खड़े होने हैं। आपको बता दें कि एशिया कप 2022 में सबसे मजबूत टीम मानी जा रही पाकिस्तान को सबसे कमजोर टीम मानी जा रही श्रीलंका ने एक नहीं दो बार हराया। सुपर फोर के साथ फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने मात दी। इसके अलावा पाकिस्तान एशिया कप 2022 के तीन मुकाबले हारा, जिनमें भारत ने भी पाकिस्तान को पहले मुकाबले में लीग स्टेज के दौरान हराया था। अब आपको बता दें कि इस मैच के बाद और साथ ही एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा को उनके पद से हटाए जाने को लेकर मांग उठ रही है। रमीज राजा पद पर रहने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे प्रस्ताव को भी रखा गया है और उनके खिलाफ प्रस्ताव भी लाया गया है। पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की विधायक सादिया तैमूर ने सोमवार को पंजाब विधानसभा सचिवालय के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिस प्रस्ताव में कहा गया है कि रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने में सक्षम नहीं है और उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस तरीके की बात भी कही गई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी जैसी संस्था के लिए रमीज राजा बिल्कुल भी सही नहीं बैठते हैं। पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट द न्यूज़ के मुताबिक का प्रस्ताव लाया गया है। इसके अलावा रमीज राजा को पद से हटाने की मांग की गई है। साथ ही एशिया कप में पाकिस्तान की टीम की हार से पाकिस्तान निराश है, ऐसी बात भी प्रस्ताव के दौरान कही गई है। आपको बता दें कि प्रस्ताव के अंदर आगे ये कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना तो सही ढंग से ट्रेनिंग मिल पा रही है, ना ही मैनेजमेंट और खिलाड़ी गंभीर हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ भी मुकाबला जब खेलने उतरी तो बड़ी मुश्किल से जीत हासिल करने में कामयाब रही। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से चित कर दिया था। पाकिस्तान की टीम के लिए नसीम शाह ने अंतिम दो गेंदों पर छक्का लगा करके जीत हासिल की, लेकिन जब तक नसीम शाह के छक्के नहीं थे तब तक लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के सामने भी मुकाबला हार जाएगी। ऐसे में ही अब पाकिस्तान की विधायक ने पंजाब विधानसभा सचिवालय के सामने प्रस्ताव रखा है कि रमीज राजा को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। क्या कुछ आपकी राय है इस प्रस्ताव को लेकर कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया। नमस्कार।